सो हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल नॉलेज अबाउट मर्चेंट नेवी। तो यार आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, पर यार ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी लग रहा था मुझे, क्योंकि यार जैसा कि आप सबको पता है COVID-19 कोरोना वायरस उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में भी बनती जा रही है धीरे धीरे। अगर इस पर कंट्रोल नहीं पाया गया तो यार इंडिया बहुत ही ज़्यादा पीछे जाने वाला है। तो यार इसको कंट्रोल में करने के लिए यार पीएम केयर फंड के बारे में मुझे आपको बताना था। वैसे तो आप सभी को पता भी होगा, हो सकता है कि कई लोगों ने इसमें कुछ डोनेट भी किया हो। तो यार आपको करना क्या है, मैं कुछ एक गिव अवे करने वाला हूं अपनी वीडियो में। इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आप इस वीडियो को जरूर देखना। तो यार आपको सिंपली करना क्या है, गिव अवे क्या है, ये भी मैं बता देता हूँ। पहले गिव अवे बता देता हूँ, बाद में बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो यार गिव अवे है 50 IMU क्वेश्चन पेपर जो कि June 2019 में आए थे। तो यार दो जून को पेपर हुआ था, आई थिंक 2 जून को ही हुआ था, 1 या 2 जून को हुआ था, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। तो यार जो 2019 का IMU था उसके मैं 50 क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ, और ये सारे क्वेश्चन वैल्यूज़ के साथ और ऑप्शन भी इसके सेम होने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन मुझे कहाँ से मिले यार, ये इसके लिए मैं बहुत पहले से रिसर्च कर रहा था। मैंने लगभग 10 फ्रेंड से बात की जिन्होंने IMU दिया था, डिस्कशन हुआ और बहुत पहले से डिस्कशन हो रहा था, क्वेश्चंस मैं नोट कर रहा था इसके धीरे धीरे, और मुझे भी कुछ 10-15 क्वेश्चन याद थे वैल्यूज़ के साथ। तो यार ये 50 IMU सैंपल पेपर नहीं होने वाला यार, पहले मैं बता देता हूँ। जितने भी मैंने आज स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपनी जो YouTube पे अपलोड किया है, सैंपल पेपर अपलोड किए, वो सब के सब सैंपल पेपर्स थे। हो सकता है वहाँ एक से कुछ एक क्वेश्चन आए हों IMU में, बट इस बार जो मैं क्वेश्चंस देने वाला हूँ ये 50 ओरिजिनल IMU के क्वेश्चंस होने वाले हैं जो लास्ट ईयर आए थे। जो लास्ट ईयर आए थे वो ओरिजिनल क्वेश्चंस होने वाले हैं, वैल्यूज भी सेम होने वाली है। तो 50 क्वेश्चन का मैं गिव अवे करने वाला हूँ। अब ये गिव अवे आपको कैसे मिलेगा ये भी, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और हाँ जैसा कि मैं पीएम केयर फंड के बारे में बात कर रहा था, तो यार इस टाइप की आपके साइड में एक रिसिप्ट आई होगी। तो यार मैंने भी कुछ फंड किया है अपनी फैमिली की तरफ से, फादर ने फंड किया है हमारे, तो फिर इस तरीके का फंड आपको पीएम केयर फंड में मिल जाएगा। ऐसे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे अमेजोन चला रहे हैं तो इस टाइप का ऑप्शन मिलेगा, और अगर आप पेटीएम यूज़ कर रहे हैं तो इस टाइप का मिलेगा, फ़ोन पे वगैरह में, शायद गूगल पे में, सब में यार ये पीएम केयर फंड का ऑप्शन है। तो अब आपको सिंपली करना क्या है वहाँ पे, यार आपको कुछ डोनेट करना है, कितना भी हो सके यार, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता, जितने भी आपकी मतलब इनकम है उस हिसाब से आप डोनेट कर सकते हैं यार। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, अगर समथिंग इज मोर देन नथिंग यार, अगर आप 1-1 रुपए भी हर इंडियन डोनेट कर रहा है तो 130 करोड़ रुपए हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, इससे बहुत कुछ हो सकता है यार। तो ये अब आपको करना है, और इसकी रिसिप्ट आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजनी है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ नीचे आ गया होगा आपके स्क्रीन पे, इस नंबर पे आपको मेरी ये रिसिप्ट भेजनी है, और मैं आपको IMU के 50 क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर दूंगा जो कि मैंने PDF बनाया हुआ है। तो यार ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कुछ फंड करेगा। और हाँ यार एक बात और बता देता हूँ, ये थोड़ा सा मेरा आइडिया है, अगर आपके फैमिली में 5 लोग हैं तो यार कम से कम आप 5 रुपये तो करिए, उससे कम मत करिए, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। वैसे ज़रूरी नहीं है कि 5 ही रुपये करने हैं, आप अपने हिसाब से कितना भी कर सकते हैं, 5,000 जो भी आपकी वो है, कुछ भी बड़ा छोटा नहीं होता यार। हमारे खुद PM ने बोला है, ट्वीट किया था, तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता यार, तो आप ज़रूर फंड कीजिए। अभी इंडिया, पूरा इंडिया इससे एक साथ लड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा केस हो गए हैं, जैसा कि निज़ामुद्दीन वाला भी केस आया होगा, आपने न्यूज़ देखी होगी तो रिसेंटली, तो बहुत सारे केस हो गए हैं, 2000+ हो गए हैं यार केस, अब और भी ज़्यादा हो रहे हैं, 600 केस मिल रहे हैं यार। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है इंडिया के लिए यार, इसको कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए यार हमारी गवर्नमेंट को हेल्प करनी भी बहुत ज़रूरी है, वी आर इंडियंस यार, तो सबको एक साथ लड़ाई लड़नी है कोरोना वायरस के खिलाफ। तो और हाँ यार घर में रहिए, स्टे होम, बी सेफ। तो यार आपको, और अगर आप फंड भी नहीं कर सकते तो यार आप एक और काम कर सकते हैं, आप यार अपने जो काउस बफेलोज है, जो भी एनिमल्स है जो आपके घर के आसपास है, डॉग्स वगैरह यार, उनको 1 वक्त का 2 वक्त का जितना भी आप खाना खिला सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं यार, ये भी बहुत अच्छा काम है, क्योंकि यार इनको भी प्रॉपरली खाना नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि 21 डेज का लॉकडाउन है, तो यार इनको भी प्रॉपरली खाना नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं आ रहे। तो आप प्लीज़ जो भी आपके घर के बाहर आपको डॉग्स वगैरह मिले, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, अगर आपके घर के जो भी, जैसे मेरे घर के पास यार 3-4 डॉग्स हैं, तो इस हिसाब से मैं उनको खाना खिला सकता हूँ, 1 वक्त का 2 वक्त का जितने भी आप खिला सकते हैं उनको आपको खाना खिलाना है, काउस बफेलोस, ये भी आप कर सकते हैं यार। और
वो ये तो यार कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है आपका, 100 रुपये में भी शायद आपका काम हो जाएगा अगर उनको आप खाना खिलाते हैं तो यार। और हाँ, इस वीडियो के 2 या 3 दिन बाद मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ, और उसमें यार मैं 5 विनर सिलेक्ट करूँगा। अब विनर्स क्या है और कैसे विनर सिलेक्ट करूँगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली करना क्या है, वो रिसिप्ट मेरे पास तो भेजनी है, प्लस में अगर आप किसी एनिमल को खाना वगैरह खिलाते हैं तो उसकी एक छोटी सी क्लिप, 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट की एक क्लिप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फॉरवर्ड करनी है और रिसिप्ट फॉरवर्ड करनी है। उस हिसाब से यार मैं 5 विनर सिलेक्ट करूँगा और उनके लिए कुछ डिफरेंट होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, जो कि अपना IMUCET होगा। इसमें उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरी तरफ से, मैं फुल सपोर्ट करूँगा और मैं कुछ अलग देने वाला हूँ उनको। 50 क्वेश्चन तो सबको मिलेंगे, जो भी डोनेट करेगा वो मुझे रिसिप्ट भेजे और 50 क्वेश्चन का लिंक मैं उन्हें दे दूंगा, तो ये तो सबको मिलने वाले हैं, बट उनके लिए 5 लोगों के लिए कुछ डिफरेंट होने वाला है। तो यार वेट किसका कर रहे हो, जाइए PM केयर फंड में डोनेट कीजिए। जिसने डोनेट कर दिया है वो रिसिप्ट डाउनलोड करके पेटीएम वगैरह जहाँ से भी आपने डोनेट किया है स्क्रीनशॉट रिसिप्ट कुछ भी मेरे पास भेजिए, मैं उनको क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूंगा। तो यार और हाँ, घर में भी रहिए यार, स्टे होम, बी सेफ, और ये बता देता हूँ यार थोड़ा बहुत कुछ भी जितना भी हो सकता है आप करिए अपनी तरफ से। सो इस वीडियो में इतना ही, टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।